मैं मेयर के लिए चुनी जाती हूँ तो मेरा पूर्ण रूप से कोशिश रहेगा कि मैं सभी आम जनताओं से लेकर पूरे देशवासियों को, मैं पटना वासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि एडवोकेट होकर ये मेयर पद और चुनावी मैदान में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है मैम? नमस्कार, बिहारी प्रतिभा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। अभी हमारे साथ मौजूद है पटना से मेयर कैंडिडेट आरती सिंह। बिहारी प्रतिभा में बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। मैं तमाम पटना वासियों को दिवाली, अन्नकूट पूजा और छठ पूजा की शुभकामनाएं देती हूं। मैं मेयर प्रत्याशी पटना नगर निगम से आरती सिंह, एडवोकेट। अच्छा मैम, जिस तरीके से आप बताएं कि आप एडवोकेट भी हैं, तो एडवोकेट होकर ये मेयर पद और चुनावी मैदान में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है मैम आपका? मेरा उद्देश्य यही है कि मैं पटना में बहुत जगह ऐसे जगह गई हूँ जहाँ पर आने जाने में देखती हूँ कि बहुत सारी कठिनाइयों पब्लिक को झेलना पड़ता है। कहीं देखते हैं कि चैम्बर खुला हुआ है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इधर उधर खेल रहे हैं, जिनको पता भी नहीं है कि अगर थोड़ी सी लापरवाही के कारण उन वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लेंगे। और मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं, स्कूल है, कॉलेज है, जो भी जगह है, देखते हैं कि इतना गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और समय समय पर देखते हैं कि किसी चीज़ का ये नहीं है कि कूड़ा कचरा का मतलब सुविधा, मतलब वो कूड़ा कचरा साफ़ कर दें, जिससे कि देखते हैं कि मलेरिया तो डेंगू, अभी देख लीजिए डेंगू से हर दिन केस ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे कि हम लोग कोरोना से जैसे आदमी का सुन रहे थे कि डेथ हो रही है, उसी तरह अब डेंगू भी देख रहे हैं। ये सब लापरवाही हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये हम लोग का नगर निगम का भी कुछ ऐसा है, गलती है, जिसके कारण समय पर साफ़ सफाई नहीं होने के कारण, जिसके कारण ये सब प्रकोप हम लोग झेलते हैं और आम पब्लिक को ये परेशानी होती है, आवागमन में उनको आने जाने में असुविधा होता है। देखते हैं कि कभी कभी पानी लगा रहता है जिससे वो चैम्बर खुला रहता है तो वहाँ आदमी को पता नहीं चलता है और वो चैम्बर में आराम से वो गिर जाते हैं, जिससे के कारण देखते हैं कि बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं, आम घटनाएं होती हैं, जिससे देखते हैं कि किसी के फैमिली अगर मान लीजिए उस घटना से अगर डेथ हो जाती है तो देखते हैं कि वो आदमी ये सोचता है कि ये नगर निगम का ही सब। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन रहेगा, क्या पहले से विकास नहीं हुआ? जो यहाँ से मेयर थी वो विकास नहीं की है क्या? विकास की होंगी, निखिल अभी भी हम जब जहाँ जहाँ जा रहे हैं सब जगह का तो वही देख रहे हैं, कि सब जगह वही है, गंदगी अभी भी लगा हुआ है। जो गंदगी को हम लोग को सुबह में रात में ही कोशिश करना चाहिए कि हटा देना चाहिए, कूड़ा कचरा जो भी उठता है वो रात में ही हम लोग सफाई अभियान अगर करवा दिया जाए। तरीके से मैम बता रही हैं कि पूरे पटना में मतलब कूड़ा कचरा इधर उधर है, तो नगर निगम वाले थे कई बार, मतलब कितना दिन से वो लोग हड़ताल पे थे, क्योंकि हम लोगों उन लोगों का यही मांग था कि हम लोगों को कोई अस्थाई जगह दिया जाए। तो क्या अगर जनता आपको मौका देती है, पटना की जनता आपको मौका देती है, तो उन लोगों को कोई अस्थाई जगह देंगी जो नगर निगम वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों को अस्थाई जगह दी जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि नगर निगम के जो भी कर्मचारी हैं उनको जहाँ तक हो उनको सुख सुविधाएँ साधन दिया जाए, ताकि वो समय पर कूड़ा कचरा का जो अंबार लगता है उसे रातारात उसे उठाकर मतलब स्वच्छ वातावरण सुबह सुबह आम जनताओं को स्वच्छ वातावरण दे सके, जिसके कारण क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ असुविधा के कारण भी वो नगर निगम का बहुत सारा काम ठप है जी। इसलिए हम चाहेंगे कि उनको समय पर सारा चीज़ मुहैया कराया जाए, जिससे कि कारण वो रात में ही सारा चीज़ सुविधा दे और कूड़ा कचरा का अंबार जो भी है उसे रात में ही साफ सफाई। क्वेश्चन और मेरा रहेगा, जिस तरीके से बस स्टैंड जो होते हैं कि मतलब वहाँ भी बहुत सारा सुविधा नहीं है, महिलाएं रात उत को आती हैं तो सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ पे बस स्टैंड जो है अभी चला गया है बैरियर के पास, तो वहाँ कुछ सुविधा देंगी क्या आप? वहाँ मैं चाहूँगी कि सबसे पहले तो हर एक जगह पर जहाँ पर उद्यम का अगर माहौल है तो वहाँ पर लाइट पूर्ण रूप से लाइट रहने चाहिए, एक कैमरा का व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि आम जनता को अगर किसी तरह का कोई भी परेशानी होता है तो वो हम लोग को मालूम हो, और एक गाइडलाइन वहाँ दिया जाएगा कि अगर किसी को भी यहाँ पर किसी तरह का दिक्कत होती है तो वो उस गाइडलाइन पर कॉल करें तुरंत, ताकि उनका तुरंत से ज़्यादा उनका सहयोग कर सके हम लोग। मैम आप सोच लिए हैं कि आप भी एक ब्यूटी हैं और पटना को ब्यूटी बनाना चाह रही हैं, तो किस तरीके से पटना को ब्यूटी बनाइएगा? मैं चाहती हूँ कि पटना को ब्यूटी बनाने के लिए मैं ये जो साफ सफाई का अभियान जो सुबह में होती है उसे मैं चाहूँगी कि रात को जब आम जनता जब सो जाती है या फिर दर दुकान बंद हो जाती है उसी समय वो मोहल्ला में जितने भी जहाँ जहाँ कूड़ा का अंबार है, साग सब्जी का देखते हैं कि सही ढेर लगा हुआ, वो सब हम रात में ही चाहेंगे कि हम उसको इस तरह से साफ कर दें कि सुबह उठे तो वो ट्रैफिक का ये प्रॉब्लम नहीं हो कि अब जा रहे हैं हम ऑफिस जा रहे हैं, हम स्कूल जा
जा रहे हैं बच्चा को लेकर, और अब है कि कचरा का गाड़ी आकर उस समय उठा रहा है, तो जिसके कारण घंटों हम लोग को जाम में फंस रहे हैं। हम आप महिला कैंडिडेट है और महिलाओं और लड़कियों के लिए क्या कुछ स्पेशल सुविधा देंगी जो अभी तक नहीं मिला है? हाँ, महिलाओं को भी चाहेंगे कि जहाँ तक ले हो उन लोग को, सबसे पहले तो चाहूँगी कि उनको रहने उने का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि देखते हैं वो लोग सड़क के किनारे भी वो जैसे तैसे वो अपने जीवन यापन कर रहे हैं। उन लोग को कम से कम इतना कर देना चाहिए कि एक ऐसा उन लोग को फुटपाथ बना के दे दिया जाए, ताकि वो जो बच्चा लोग रोड पर अचानक से दौड़ जाता है वो नहीं होना चाहिए, वो बच्चा जो है अपना साइड में रहे, ताकि वो खेले कूदे भी तो उस साइड में ही रहे, उनका वो व्यवस्था कर दिया जाए आम जीवन, जिससे इधर उधर नहीं हो पाए। तो आप मैम सोच ली हैं कि इस बार एकदम जो है चुनाव जीतना है? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, और जीतना ही नहीं है, ये आम जनता की ही जीत होगी। अच्छा। अगर मैं जीतती हूँ तो सबसे पहले बात मैं कुछ करना चाहती हूँ और समाज के लेकर मुझे करने का शुरू से जज्बा रहा, क्योंकि मेरे अंदर मेरे घर में भी बहुत ऐसे थे जो पटना नगर निगम से जुड़े रहे हैं, पटना नगर निगम में जैसे मेरे पिताजी हुए हैं पटना नगर निगम। जैसे मैम कि अभी आप एक एडवोकेट भी हैं, जैसे अपने पिताजी के बारे में आप बता रही हैं, तो आप लोग कैंडिडेट नहीं होकर पहले से आप लोग समाज सेवा करते आ रहे हैं? हाँ, मेरे पिताजी भी समाज सेवा बहुत किए हैं, और खुद पटना नगर निगम में रहकर अतिक्रमण हटाओ, गाय जो भी लावारिस बाहर में रहता था उस सबको भी समेट कर नगर निगम के हवाले करना, बहुत सारे काम है जो अतिक्रमण से संबंधित हुआ है, साफ सफाई से संबंधित, तो मेरे पिताजी भी किए, और मेरे हस्बैंड के जो है परवावा जो हैं वो भी जो हैं वो भूतपूर्व प्रशासक रह चुके हैं, और उनके बारे में आज भी लोग जानते हैं, क्योंकि उनको पहचाना उसी लिए जाता है, क्योंकि वो भी जो थे कि वो जो भी साफ सफाई का जो काम होता था वो रात्रि में ही करते थे। जैसे कि आप अतिक्रमण हटाने का बात कर रही हैं, तो जो भी फुटपाथ वाले होते हैं, गरीब लोग होते हैं, और अचानक क्या होता है कि जाते हैं ये लोग और उस घर तोड़ देते हैं, दुकान हटा देते हैं, और कहीं ना कहीं रोड रोड पे जो लोग गरीब होते हैं स्टॉल लगाते हैं, अपना घर बसाते हैं, तो अचानक वो हटा दिया जाता है, जिससे कितना गरीब लोग हैं उन लोगों का घर उजड़ जाता है, रोते हैं बिखरते हैं, लेकिन फिर भी सरकार ध्यान नहीं देती है। तो जिस तरीके से आप पहले भी बताई हैं कि उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था होना चाहिए, ताकि उन लोगों को कोई परेशानी ना हो, रोड पे नहीं रहना पड़े। नहीं तो जैसे अगर मान लीजिए उन लोग को हटाया जाता है, तो उनको एक ऐसी जगह दिया जाए, ऐसा फील्ड में उनको जगह दिया जाए, ताकि वो लोग भी अच्छे से रह सकें, क्योंकि वो भी लोग जानते हैं कि सड़क के किनारे अगर वो लोग रहते हैं तो उससे आम जनता को दिक्कत होती है, और उन लोग को लिए भी दिक्कत है। इसके लिए आप स्पेशल जगह देंगे? स्पेशल जगह देंगे, ताकि उनको एक ऐसा जगह दें ताकि वहाँ एक फैमिली की तरह सभी आदमी मिलकर वो लोग रहें, ताकि उन लोग को भी दिक्कत नहीं हो और आम जनता को भी उससे दिक्कत ना हो। अभी जो चुनाव आने वाला है, जब डेट निकलेगा, तो स्पेशल पटना वासियों को, पटना की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पटना वासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो लोग जो भी अभी, जैसे कि अभी हमारा पर्व आ गया है, दिवाली हो गया, अन्नकूट पूजा हो गया, छठ पूजा हो, तो सभी पूजा को अच्छा से वो लोग मनाएं, और हमारी शुभकामनाएं हैं, और बस एक सलाह है कि दीपावली हो या अन्नकूट पूजा हो या छठ पूजा हो, थोड़ा सतर्कता भी ज़रूरी है, और श्रद्धा और विश्वास के साथ वो लोग पर्व मनाएं। उसके लिए मैं उन लोगों को पूर्ण रूप से ये करती हूँ कि मैं वो लोग अच्छे से मनाए, ताकि और अच्छे से ना, ताकि उनको किसी तरह का कोई तकलीफ़ नहीं हो, क्योंकि आम जनता को तकलीफ होना यानी कि हम लोग खुद में एक ये रखते हैं कि ये हो गया, ये घटना हो गया, ये दुर्घटना हो गया, पटाखा से ये हो गया, नदी में गया, तो वो सब सतर्कता के साथ ही मनाएं। मैं इसलिए कि चाहती हूँ कि जितने भी पटना में जो भी है दिक्कत है, चाहे वो गंदगी से संबंधित हो या ये बीमारियों से संबंधित हो, वो सब मुझे समय से पहले दूर करने का मौका दे, साफ सफाई और अच्छा विकास करने के लिए। मैं पूर्ण रूप से सक्षम भी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, और मैं चाहूँगी कि जैसे मैं कोर्ट में अपना काम करती हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं कोर्ट में काम करती हूँ, तो मेरा काम है न्याय दिलाना, और मैं ये चाहूँगी कि अगर मैं मेयर के लिए चुनी जाती हूँ तो मेरा पूर्ण रूप से कोशिश रहेगा कि मैं सभी आम जनताओं से लेकर पूरे देशवासियों को जहाँ तक मैं सक्षम हूँ मैं उनको सहायता करूँ और विकास कर सकूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ मौजूद थी आरती सिंह, पटना से मेयर पद की कैंडिडेट हैं, और इनसे हम बात किए और ये साफ तौर पे कह रही हैं अगर आप भी चाहते हैं पटना को ब्यूटी देखना तो एक बार इनको सेवा का मौका ज़रूर दें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहारी प्रतिभा। धन्यवाद।